हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल आप सबका कृष्णा अनुशीलनम 2021 महामहोत्सव में हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सबको विदित ही है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम इस महामहोत्सव को बहुत ही जोर शोर से आयोजन कर रहे हैं इसका, और इसके अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग की तकरीबन 18 प्रतियोगिताओं को रखा गया है। और मैं इसके अंतर्गत लेखनी प्रतियोगिता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत 4 आयु समूहों को रखा गया है, 6 वर्ष से 10 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष और 18 से ऊपर आयु वर्ग के ये 4 ग्रुप्स हैं जिनको रखा गया है। और जैसा कि इस निबंध प्रतियोगिता में की बात है, तो निबंध, जहाँ तक निबंध के बारे में हम कह सकते हैं कि हमको अभिव्यक्त करने का एक सर्वोत्तम माध्यम होता है निबंध, और निबंधों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इस बार हम कृष्ण भावनामृत को केंद्र में रखकर इवेंट में पार्टिसिपेट करें और अपनी प्रविष्टियों को हम उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निबंध सबसे पहले स्वयं के लिखे होने चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की इसमें नकल पाई जाती है तो प्रतियोगिता में प्रवेश आपका अमान्य हो जाएगा। हर पेज में जो भी आप पेज सबमिट करने जा रहे हैं उसमें आपका नाम और पेज नंबर होना आवश्यक है। आप उसको उसका फोटो क्लिक करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं, या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उसको हिंदी फॉन्ट में टाइप करके भी आप भेज सकते हैं उसको। जहाँ तक शब्द सीमाओं की बात है, तो किसी भी समूह के लिए कोई भी न्यूनतम शब्द सीमा नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों, जैसे कोविड, अभी कोविड का दौर चल रहा है, बाढ़, देश में असामान्य बाढ़ जैसे हालात हैं, तो इन विषयों को भी आप थीम के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर इसे कृष्ण भावनामृत या कृष्ण से अगर जोड़ के हम अपना निबंध को ड्राफ्ट करेंगे तो वो उपयुक्त होगा। जहां तक इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का प्रश्न है, तो उससे संबंधित कुछ जुड़ी हुई जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 19 अगस्त 2021 मध्यरात्रि से पहले आप अपना इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर अपना निबंध 22 अगस्त 2021 सुबह 10 बजे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना निबंध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2021 मध्यरात्रि है। 29 अगस्त 2021 को ऑनलाइन भव्य आयोजन के माध्यम से हम सभी विजेताओं का परिणाम घोषित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहां तक इसके प्रचार और प्रसार की बात है, तो आप अपने मित्रों को, संबंधियों को इस प्रतियोगिता के बारे में बताकर इस आयोजन को और सफल कराने में इसकी मदद कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।